किसान भाइयों, इस समय जो है आप लोग को इस वीडियो में हम आज जो है ऐसे काश्तकारों के खेत दिखाने वाले हैं जिन्होंने चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ गई हो, चाहे कितना बड़ा भी कुछ हुआ, लेकिन अपने फसल पे आंच ना आने दी। लेकिन इस बार हमें नहीं लगता है कि वो लोग सक्सेस हो पाए। इस समय जो है हम जो है छिबरामऊ से करीबन करीबन यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है छिबरामऊ, तो एक गाँव है। कौन सा गाँव है ये? ककरैया। ककरैया। और यहाँ पे ये फार्म हाउस दिखाओ भैया, थोड़ा ये फार्म हाउस दिखाओ। ये फार्म हाउस है और फिलहाल में आप लोग देख पा रहे हैं, आलू आप लोगों को लग रहा होगा कि लेट गड़ा है, और लेट भी गड़ा है। तो इस खेत की स्थिति क्या है और क्या इधर की पोजीशन है? तो क्या नाम भैया आपका? प्रशांत। प्रशांत प्रशांत भाई, ये कई बीघा का चक है इधर? 44 बीघा। 40-44 बीघा, चौवालीस मतलब लगभग लगभग 40 बीघा का चक है। इधर वाला दिखाओ, इधर ये खेत दिखाओ, थोड़ा इधर आओ, ये खेत देखो इधर। ये हमें लग रहा लगभग ये भी 10-12 बीघा का खेत है, 17 बीघा, ये देख लो 17 बीघा है। और ऐसा ही नहीं कि आप यही देख रहे हो, लगभग उधर भी है कुछ खेत। तो इन टोटल खेतों में ऐसा कोई खेत दिखाओ, ऐसा कोई किसान मिलवाओ जो इस बार ये ना बोले कि मेरे खेत में झुलसा नहीं है, वो मुझे फोन कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है। इस बार भैया हम देख रहे हैं आलू जो है, ये लोग, ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है, लोग करे आलू तैयार हो चुके हैं, इस पे आप क्या कहोगे? आलू अभी कहाँ तैयार हुए, अभी तो बहुत। अरे लोग अभी अगर दिखाओ ना किसी को, ये लोग बोलेंगे ये तैयार हो गया तब झुलसा आया इसमें। ना ना ना, ये तो झुलसा आता है 50 दिन में, झुलसा लग गया इसमें, कहाँ तैयार हो गया? मतलब ये 50 दिन में झुलसा लग गया था। ये कंडीशन है। आओ आओ थोड़ा खोद के दिखाओ पहले इसको, थोड़ा खोद के, इसको थोड़ा खोद के देख लेते क्या निकल रहा है इसमें, खोद के देख लेते इसको, ये तैयार है या नहीं है। तैयार जब होगा, जब चल्ला आओ कहेंगे खोदन वाले का हो जाए, जब कोई रोक ले तब तो माल पूरा हो जाएगा। ये आप देख लो भाई, ये तैयार हो गया था, लोग बता रहे थे तैयार है। कहाँ है तैयार आलू, कहाँ है इसमें? लो बना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इधर। और देखो दूसरा गुलाब, ये देखो ये तैयार हो गया ना, ये तो है ना, ये है तो तैयार, ये तैयारी तो है, ये टोटल तैयारी तो है। क्या साइज का है बताओ? एक मुट्ठी हो ये सब इनका, ये 2-3 गुले। क्या है ये? इधर आप लोग के क्षेत्र में खुदाई वगैरह होती होगी ना? इधर दिखाओ, उधर वो भैया निकाल ले, देखो इधर भी देखो। एवरेज का आप क्या समझ रहे हो, क्या एवरेज? एवरेज जो 50-55 दिन में झुलसा लग गया उसका एवरेज वो 20-25 का आएगा, 20-25 का आएगा एवरेज, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपकी तरफ मतलब खुदाई होगी, आपने देखा होगा ना लाइव कितना ज्यादा ज्यादा निकल रहा, खूब निकल रहा है तो 35-40 का, ज्यादा जिसमें घूरे माटी डाल के नहीं भाई तो वो 25-30 के निकलता है। भैया लोगों का मानना ये है कि जैसे कि लोग ये कह रहे भाई चलो ठीक है इस बार झुलसा आया है, और कुछ सोशल मीडिया वाले व अखबार वाले ये कह रहे हैं झुलसा आया है, अफवाह फैला रहे हैं, इस पे आप क्या कहोगे? झुलसा झुलसा तो है ही है ना, तभी तो कह रहे हैं ये झुलसा ही तो है ही है। और सब ये सब लगे देख रहे हो, ये 44 जगह के झुलसा का तो असर है। अच्छा वैरायटी कौन सी है? ये कंचन है लाल में। अच्छा ऐसा तो नहीं है, हमें ये लग रहा है कि जितने भी मतलब की अगौती कच्चे फसल थी वो लगभग तैयार होके बिक्री भी हो चुके हैं, और जो लोग ब्रांडेड माल करते पक्के के लिए, मतलब अगर नुकसान समझेंगे आप कच्चे में या पक्के में? नुकसान पक्के में ज्यादा है, पक्के मतलब कच्चा तो जैसे तो निबट गया, वो तो निबट गया, निबट गया मंडी में जाके, नहीं बचा रहा वो निबट रहा है, ज्यादा निकला है 20-25-30 25-30 25-30 20 ऐसा निकला कच्चे में, मतलब 20 का हाई एस 25 दिन है कच्चा वाला, जैसे ख्याति बुखरा होते हैं। अच्छा इस बार मात्रा किसकी ज्यादा रही थी, कच्चे की या उसकी मतलब ख्याति, इसकी मतलब हाइब्रिड, मतलब जो बोलते हैं लाल वाले, मतलब इनकी? इस समय वैसे तो इस बार हाईलैंड ज्यादा है, इस बार हाईलैंड कंचन सिंदूरी। हमें भी सुनने को ये मिला है कि आपकी बार बड़े बड़े काश्तकारों ने ना हाइब्रिड आलू नहीं किया, नहीं किया हाँ। पक्का किया है, मतलब जैसे पक्का इसको हाईलैंड हो गया, चिपसोना हो गया, 97 हो गया, और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रांडेड आलू ज्यादा किए गए, उन्हीं पक्का नुकसान है। तो क्या लग रहा है इस बार कोल्ड स्टोरेज क्या कहेंगे? स्टोर देख लो पिछले साल से आधा निकल रहा है, अंदाजा लगा लो। जब स्टोर मालिकों का आलू नहीं बचा है तो फिर किसका? तो बस और क्या, इसी से अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप किसी से अंदाजा लगाओ, अपने बजट के हिसाब से अंदाजा लगाओ, अपने बजट के हिसाब से आलू रखो, बिक्री करो। ये मत करो कि यार किसी ने दिखा दिया झुलसा आ गया आलू 6,000 रुपए कट्टा बिकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, अपने हिसाब से करना चाहिए ना, अपने हिसाब से अपना हो। कैसे हमको कोई 1 रुपए थोड़ा नहीं दे जाता यार जो हम कुछ कहने लगे, मतलब मेरे हिसाब से कुछ मत करना, लोग कहते हैं यार तुम्हारे हिसाब से मैंने कर लिया, मेरे हिसाब से करना चाहिए अपने गुंजाइश के हिसाब से। भाई तो तुम्हारे पास गुंजाइश है, खरीद के और रख दो यार, गुंजाइश है खरीद के रख दो, ना गुंजाइश है तुम अपना भी ना रखो बेच दो अपना। सही बात है।
तो क्या लग रहा है इस बार कोल्ड स्टोरेज कितने तक भर जाएंगे? स्टोर हमें तो लगभग वही 60-70% निकास पास जाएंगे। हाँ, मतलब 6-7 गांव की गिनती खत्म हो रही है कोल्ड की। तो इस बार बड़ा और कोल्ड बड़े 50-50 मानो बने भी नए भी तुम बन रहे हैं ना इस बार। 28 गोल्ड अपने जिला में बने, मतलब ही नहीं। तो जैसे कि आपका पूरा क्षेत्र झुलसा से ग्रसित है क्या? बहुत सारा, इधर हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा खेत नहीं है जो साबित बचा हो। पूरा का पूरा झुलसा जोर से है। और जिन्होंने दवा डाले रोग भी लिया उसमें साइज नहीं है। हम मतलब बेल हरी देख रहे, इससे मतलब ही नहीं। अच्छा, आप तो लोग ये इंतजार कर रहे हैं आलू जितनी पके उतनी जल्दी यार कुछ हो। कब तक पकेगा? लगभग एक महीना लगेगा। अभी एक महीना लगेगा और ऊपर से देख रहे हो खुल नहीं रहा मौसम। अगर खुल गया तो नहीं तो मतलब ही नहीं, बर्बाद हो रहा ना। इस बार दागी और आलू निकल रहे लोग बता रहे हैं। अब मौसम ये जो 3 महीने हो गए उनको कटकोले देखो पकली फूट रही कहाँ पे, 3 महीने आलू पक जाता है वैसे। फार्म हाउस में देखे इस वाले में क्या स्थिति है। और आप लोग ये भैया ये फसल भी दिखाते रहिएगा। ये आप लोग देख पा रहे झुलसा का लगा हुआ मतलब आलू है। हालांकि खड़े खड़े 70 दिन का हो गया होगा मानते हैं, लेकिन झुलसा तो 50 दिन पे ही आ गया था। उस वजह से इसमें बहुत भयंकर नुकसान। इधर कहाँ से चलेंगे? इधर से। इसमें देखो अभी फिलहाल में क्या है, ये जिनका फार्म हाउस है उन्होंने आलू को जो है झुलसा से बचने के लिए थोड़ा नमी बना के रखी है, जिससे जो है खेत में झुलसा ना आ सके। यही बात है तो मतलब इससे आता नहीं झुलसा क्या? नहीं आता। जो वो आ गया चाहे वो उसमें पानी भर दो या चाहे कुछ दो। अभी फिलहाल में इधर तो खेत रहना अच्छे खड़े यार है? ये कहाँ से छुपा के रखे है? दिखाओ इधर, इसमें झुलसा है नहीं, इसका मतलब क्या है? कहाँ है ये झुलसा लगा तो है। ये आलू कौन सा है? ख्याति है। देखो दवा ऊपरी दिख रही भाई साहब, बहुत केयर करी है लेकिन फिर भी बचा नहीं पाया है। लेकिन केयर हमें लग रहा है उत्पादन नहीं देगा ये। कुछ नहीं, क्या निकलेगा वो तो दवा इतनी हार्ड पड़ रही है। हाँ, भयंकर झुलसा है उसमें, लग रहा है ऊपर से लेकिन है नहीं। इधर देखे फार्म हाउस में थोड़ा देखते है भैया क्या स्थिति है। हालांकि ये एक दिग्गज किसान मान सकते हो आप उनको, तो वो उनके ये आलू है। इनके आलू में थोड़ा खोद के देखते हैं भाई क्या पोजीशन है और क्या स्थिति है। और ये आलू कौन सा, इसकी वैरायटी? न्यू आइलैंड है। पक्का नुकसान है इसमें, खोद के देखो जरा भैया एक जगह कहीं। ये देखो न्यू आइलैंड आलू है, इसको देख रहे। ये कितने दिन का है? ये 70 दिन का हो गया। 70 दिन का? हाँ, लग रहा तैयार हो गया है। ये देखो न्यू आइलैंड कितना कितना बड़ा हो गया भाई साहब। इधर देखो भैया ये न्यू आइलैंड आलू है, 70 दिन का। ये देख रहे इनसे बड़े बड़े तो कंचन सिंदूर ही हो जाते हैं, जिनकी कोई वैरायटी नहीं होती है। अब फिलहाल में अभी देखो ये भैया कितना, एक मुट्ठी में आदमी पकड़ सकता है गुला का आलू। बताओ क्या फायदा है ऐसे आलू से? आप कैसे कह सकते हो ये तैयार दिन में 50 पैकेट हो जाता है? क्या हो रहा है ये? और बढ़े या नहीं? बढ़ रहा है, जो बेल हरी है उसमें बढ़ रहा है। बाकी जो बेल देखो इसमें दिखाओ, इसमें थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो बेल खत्म ही हो गई है। हाँ, मतलब ये पक गई बेल, ये भी खत्म ही है बेल, मतलब इक्का दुक्का दाना हरा है, मतलब नाम का बच्चा बढ़ेगा। लेकिन मानते हैं जो आप लोगों को स्थिति दिखाई है इससे और 20 हो जाएगा, ज्यादा थोड़े नहीं, 25 थोड़े नहीं होगा, 20-25। लेकिन बढ़ना चाहिए था। न्यू आइलैंड आलू तो बड़ा बड़ा हो जाता ना, बड़ा बड़ा हो। इसमें न्यू आइलैंड क्या एवरेज देता है? 60 का देता है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है अंदाजा? 20 निकलेगा। अरे यार, मतलब इतना बड़ा खेत दिखाओ, ये लगभग 40-42 बीघे खेत है। 40-42 बीघे का एक ही खेत है और टोटल न्यू आइलैंड है। टोटल न्यू आइलैंड, टोटल न्यू आइलैंड आलू है। 40-42 बीघा का ये खेत आप लोग देख पा रहे हो और टोटल में मतलब झुलसा लगा है। अच्छा, इसके जैसे उधर खेत होंगे उनमें लगा होगा? हाँ, में हर जगह। यहाँ खोद के देखो भैया, यहाँ निकालो, देखो यहाँ निकाल के देखो, इसमें देखो क्या है। बस इतने ही अनुमान लगा लो कि जो इसमें है वही है, बढ़ेगा थोड़ा नहीं। अब लगा रहेगा तो सड़ेगा और नमी और बना के रखी है तो उसमें तो बस ये बेल ही खत्म है ना, इसमें बढ़ने खत्म। जो हरी बेल है उसमें भैया दिखाओ, ये अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे भाई साहब इसको जरा गौर से दिखाएं। ये देखो साइज, ये साइज देख लो आप, और साइज देख के आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हो क्या स्थिति है। 70 दिन का है ना। अच्छा, अपने यहाँ इस साल जैसे रकबा में क्या रहा था, आलू कम हुआ था या ज्यादा? सेम हुआ था, कम नहीं, आलू गड़वाई कम नहीं है लेकिन पैदावार कम, पैदावार कम है। तो किसी खेत में पैदावार पिछले साल से 40% है, किसी में 50%, किसी में 60%। अच्छा, लोग कह रहे थे, मतलब लोग ये कह रहे थे कि कोल्ड वाले खेतों में आने लगे, क्या ये सच है?
मतलब जैसे दूसरे कुल वाले लोग बाग है ना यार भैया मेरे में डालना, मेरे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, कोई खबर भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा क्या कोल्ड स्टोर जो खुलते हैं फरवरी में, अब की बार हमें लग रहा है कि मुहूर्त लेट ही होगी, अब की बार तो मुहूर्त तो टाइम भी इतने करेंगे क्योंकि और क्या, फिर फरवरी तो टाइम से करके क्या करेंगे, खाम खाम से दस ग्यारह बारह पंद्रह बीस फरवरी सब हो जाएंगे मुहूर्त छबरा जितने हैं, मतलब लगभग फरवरी में सारा कोल्ड में मुहूर्त हो जाता है। लेकिन आलू अभी तैयार नहीं हुआ है, आलू कहाँ तैयार, आलू मुहूर्त हो जाएगी, मुहूर्त यार कौन अपना आलू बर्बाद करने के लिए, कच्चा आलू कोई लेके जाएगा क्या, नहीं लेगा, जिनका तीन महीना सौजनी का हो गया उनका तो दो चार चार दिन में धूप निकली है।